और सब एवरीवन वेलकम बैक जी। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, सुबह से काम से निकला हुआ था मैं घर से बाहर। अभी जैसे घर पे आया हूँ, गर्मी तो इतनी ज़्यादा, धूप निकली हुई है। चलो अभी देखते हैं, पता नहीं क्या मम्मी अजीब से नाम ले रही है देश का, पता नहीं क्या बनाए खाने में। खाना खाते हैं। व्हाट इज देयर टू ईट? सुनी आज वाइट वाइट में नहाती हुई लगती हैं मम्मी कहती पिछू। वो तो ने पाकिस्तानी गाना सुना एंजल, जो बहुत वायरल हुआ था, व्हाइट से कपड़े पहन के है अंकल से, मतलब कॉम्प्लीमेंट है? नहीं नहीं है, तो थोड़ा सा मजा आ गया, बट ठीक है कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन फ्रेश आज इतने दिनों बाद चटनी चाहिए बस, आम का अचार की जरूरत ही नहीं होती जब चटनी होती है। सो ये जी अपना लंच, काले छोले, दही, चटनी और सारे। लेकिन जैगरी क्यों डाल दिया खाते हो? मुझे मीठी अच्छी लगती है क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा स्पाइसी डालती है इसके अंदर, उससे मीठी बहुत स्पाइसी बनाती है, तो बेबी के लिए इज़ नॉट गुड, तो इट्स नॉट कंपल्सरी। फिर मैं गुड़ डाल लेती हूँ तो थोड़ा मीठी हो जाती है। ओके, तो शुरू से मेरे को मीठी ही पुदीने की चटनी पसंद है, पर अभी बेबी की वैसे भी। तो बेबी को जब भी कुछ पॉटी का इशू होता है तो मम्मी आम खा लेती है? हाँ, पर उसको भी हुआ नहीं, एक दिन हुआ था। ये सही कनेक्शन है जिसे यहाँ पे ऐसे ऐसे इधर माँ का बेटी के साथ इतना कनेक्शन होता है, ऑब्वियसली है ना, फील लेगी तो जो मैं मेरे साथ होगा वो बेबी के साथ होगा। मैं खास हूँ इसलिए ये भी खास है। मैं एक दो बार मेरी खांगा दी थी, एक दो बार खांगा दी है, इसलिए माँ का बहुत डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है ना। सो जी अभी तक इतनी कड़कती धूप थी, अभी एकदम से बारिश भी आ गई। ये धूप में होने वाली बारिश है, वैसे मौसम तो है नहीं कुछ। तो अभी जस्ट जी मैं अपनी बना रहा हूँ कॉफ़ी, उसके बाद मेरे को जाना है अपनी दाढ़ी कटवाने, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है वो, काफ़ी टाइम हो गया। मेरे ख्याल से जब मैं थाईलैंड गए थे ना तब उससे पहले कटवाई थी, हाँ उससे एक दिन पहले कटवाई थी, एक महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीना। तो सोच रहा हूँ ये करवा के आ जाऊँ, थोड़ा शक्ल थोड़ी सी ठीक लगने लग जाती है। और अभी बनाते हैं कॉफ़ी क्योंकि दोपहर को सो गए थे एज़ यूजुअल। सुबह के बाद मतलब काफ़ी पी रहा हूँ कॉफ़ी, अदरवाइज जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कॉफ़ी भी कम कर दी, मन ही नहीं कर रहा था इतना पीने का। सो जी मम्मी जी मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी का, मैं दाढ़ी वगैरह कटवाऊँ। मैं सोच रहा हूँ बाल जमा छोटे करा लो, 2 नंबर की मशीन लगा लो, इन्ने में ना छोटे करो वधिया लगने है, गंजा जा हो जाओ थोड़ा, जो गर्मी बहुत है। जाना था कितने नहीं सोच रहे गर्मी, पर जे मैं बाले छोटे करवाते फिर 2 लोगों ने मेरे पहचानने तो मना कर देना, कंचन ने भी लाइक तू तो एक कर अभी ने ओ पर ने मने जड़ जड़ सोने लगना ओने रखो। करा ला। अभी जाऊंगा तो मेरा ना बहुत टाइम से होता था कि ऐसे ना बिल्कुल छोटे छोटे एक बार ही करवा दूं, क्योंकि दुखी हो रहा जाता हूं मैं, क्योंकि बाल मेरे हमेशा से रहे ना जो कभी इसकी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं मिला, कभी डैंड्रफ कभी हेयर फॉल, तो मन करता है एकदम छोटे छोटे करवा लूँ, टेंशन ही खत्म करवा दूँ, बट फिर कंचन ही नहीं करवाने देती और मम्मी भी बिल्कुल अगेंस्ट रहती है इसके कि छोटे छोटे नहीं करवाने बिल्कुल भी। की कह रहे हो? तो ऊपर ना होर खंडाले खंडाले हो तो ग्रोथ है कि मेरी बहुत जल्दी हो जाती है ना बड़ा दी, बाइक दी तो बैटरी गई, बाइक दी कल तो ही कह नहीं साड़ी बैटरी डाउन होगी, लाइट ही लगता गया जी, बैटरी ने भी पवो होना, मैं लगता बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं देने लगी, ये तो कुछ करना ही पैना, यदा कुछ करना ही पैना, वो तो 1800 कह रहे।
अपना देखा है मम्मी कुछ ना कुछ बिजली वगैरह या तो बाइक वगैरह कुछ ना कुछ नवी चीज तो आ ही जाता हर बारी वो तो चलते रहता बट अपन मैं लगता बाइक का कुछ करना चाहिए चलो हम फिर मैं लगता एक्टिवा उक्टिवा का देखना ही पैना क्योंकि ये पैसे बहुत लगन लग गए है ना फिर फायदा की है कदे कुछ खराब कदे कुछ खराब ब्रेक ब्रूक भी नहीं है डैडी भी लेके जाता डर ही लगता अद्धा तो अगे अगे ब्रेक ही नहीं है इन्ना हो रही नहीं स्पीड स्पूड जी भी ए अंकल चिप्स अचार पाया मम्मी अच्छा पौना एक ही गठलियां जी ने अच्छा अचार कटता अच्छा मैं लगे तुसी ना दोपहर दोपहर कह रहा धुप्प च सुकने सिट्टे होया अच्छा नून पा के ओके हुण इहनू सट दिया फिर मैं लिया मैं सट दिना ये फिर आप अपने लोकल ही लेके आए हैं मंडी च इधरों ही ले ले जी निकल रहा हूँ कटवाने के लिए तो मार्केट के अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि गाड़ी है हाथ में गाड़ी का जाना मुश्किल हो जाता है और बाइक तो बहुत प्रॉब्लम देने लगी है तो उसका एक तो इशू है वो जब तक सॉल्व नहीं होता फिर बाइक में देखो नई बैटरी डलवानी पड़ेगी हमको देखो यार प्लान करना पड़ेगा कुछ नए एक्टिवा वगैरह गए डैडी मम्मी के लिए और थोड़ा वो ज़्यादा सही भी रहती है क्योंकि इसको बाइक को 15 साल हो गए हैं 15 साल में बहुत साथ दिया भाई इसने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइक थी और बट थोड़ा सा वो होता है ना कि इमोशन जुड़ा होता है कि पहली बाइक है मेरी है तो इतनी जल्दी देने का तो मन है नहीं बेचने का मन नहीं और बेचेंगे भी तो कुछ उसकी वैल्यू है नहीं वैसे एक्चुअली नहीं तो भंगार में ही जाएगी तो ये रखी रखूँगा मैं रिस्टोर कर लेंगे कभी आगे चल के करना हुआ तो बट देने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पहली बाइक है ऑब्वियसली जब मैंने 11th क्लास में था तब ली थी ये और बहन का दिया हुआ गिफ्ट है ऑब्वियसली और सबसे पहले जो होती है वो तो स्पेशल होती है और अभी अभी वीडियो बनाते बनाते पता चल रहा है कि मेरा फ़ोन भी ख़राब होने लग गया है देख रहे होंगे आप कैसे वो हैंग हो रहा है बीच में 3-4 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ क्या हाल चाल की कह जाए पे सोनी लगती है जा यार कुछ भी बोल दे रहे ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨਿਊ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਾਰਤਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਏ ਸੀ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ 32 ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹ ਰਿਜਨਲ ਵੀ ਫਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਮੋਰ ਲਾਇਆ ਡਰਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਲ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ वो कहता यार ठीक हो जाता है थोड़ी देर तो खुच रख लें और कहना ठीक हो गया तो यहाँ बोल दिया मुझे 400 रुपये पहले ठीक हो गया जो नहीं था नमा देता सी उन्हें नमा तो ओरिजिनल था नहीं टिकट की अच्छा अच्छा हाँ फिर भी दवाई जरा क्या हाँ आवाज नहीं हो रही ओरिजिनल थोड़ी है हाँ तो बेबी ने तो शुरू कर दिया था एसी के ऊपर वो छेक मार के बच्चा डर रहा था हॉली मारेगा साइलेंट से पता नहीं तेनों तो जी अभी जैसे दाढ़ी फल कटा के अभी जैसे नारे जाऊँगा और ये जो मम्मी स्टोरी सुना रही हैं एक्चुअली अभी दोपहर को बेबी ने सुसु कर दिया था एसी के रिमोट के ऊपर तो वो चलना ही बंद हो गया था कैसे और रिमोट तो बेड पे ही होता डैडी जवाक इधर उधर जाता रहता गोदी से चाके दे रही नहीं है रिमोट तो उतना ही होता तो अभी भूख लगी है तो ये चने ही खा लेते हैं थोड़े से पड़े इसको सैलेड समझ के खा लेंगे दही है तो इसमें दही मिक्स कर लेता हूँ मैं सो दही तो मिली नहीं लेकिन चटनी डाल ली है मैंने और आज मैंने नई जगह से बाल कटवाए हैं तो कंपेरेटिवली थोड़ा सही काटे हुए लग रहे हैं बट अभी शैम्पू करके तो सब अच्छा लगता है दो थोड़ी देर में छज्जा बनेगा फिर पता अच्छा लगेगा लेकिन दाढ़ी दूढ़ी पटा के मुंह बड़ा वो हो जाता है थोड़ा निखर के आ जाता है ये तो बहुत ही भारी हो रखा था मेरे को भी आया गाइस हमने नाम रख लिया है ऑलरेडी और हम उसी नाम से बुला रहे हैं बट
आप लोगों को बहुत जल्दी ही डिस्क्लोज करेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग इसका नाम डिस्क्लोज कर देंगे। तो बेबी का नाम ऑलरेडी हम रख चुके हैं, वो बता भी चुके हैं शायद। नहीं ब्लॉग में बताएंगे ना तुमने एक बार, अभी तक नहीं, फाइनल नेम नहीं बताया। अच्छा तभी पूछ रहे हैं, मैं सोचूं तुम लोगों ने बता दिया फिर भी मैसेज आ रहे क्या नाम है क्या नाम है। हमने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया अभी, वो लोग करेंगे जल्दी। कंफ्यूजन है कोई? नहीं नहीं फाइनल है। तेल भी सस्ता हुंदा सी ना, तेल महंगा घट पैंदा गा उस टाइम, जो 500 की जिन्ना पैंता हुंदा सी ना सुई जांदी सी, हुण 1000 दा पाके पहुंच दी उत्थे। पहला 500 रुपए मैं चंडीगढ़ आना जाना कर लेंदा सी। मैं एक बारी 500 दा पवाया रात फिल्म चल रही सी नागिन चल रही सी, बीन बजी सप इशारे समझो बुलावा आ गया, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। हां जी की कह रहे हो? अज मैं पै तेरे जो लिया हुए कपड़े शूज और टी शर्ट, मैं क्या भी मुंडा कहूँगा मैं लिया के दिते ही पाए है नहीं उत्थे पाए। मैं पहले कहा तेरी मम्मी कहनी मैं तेरे मम्मी ने भाई अज पाई ली नाल एक गल पता है ना, एक होर पता की एक एक जी एक चीज आ पग दे विच ना शक्ति इन्नी आ, जे दुपट्टा बनी है तो बंदा रहिंदा तां हैगा ठीक स्मार्ट बन दिखदा पर एक्टिव नहीं रहता। जदों पग बन ली बस एक्टिविटी शुरू हो जाती है। उही मैं भी हुणी सोच रहा सीगा जे बंदा ना अपना जिवें मैं शॉर्ट्स पा ले चप्पलां पा के ढिली जी टी शर्ट पा के बंदा घूमता रहता ना थोड़ा स्वस्थ स्वस्थ बेकार थोड़ा स्वस्थ जा, जे उही शूज पा के पेंट वधिया पूरे टाइट फाइट वगैरह फिर उन्हां दा थोड़ा एक्टिव रहिंदा होंदा। पता नहीं की हैगी ड्रेस दे विच हैगी पूरा वधिया चंगी तरह देखो किन्नी मोटिवेशन वीडियो ना उन्हां ने हमेशा ओहदे विच क्या होया हमेशा स्मार्ट बन के रहो। तुसीं मोटिवेशन वीडियो देखिया कर जिन्नी मर्जी, कहिंदा तुसीं गरीब हो कुछ भी हो ਵਧੀਆ ਇਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਵਧੀਆ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ।